जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। नगर पंचायत पागबड़ा में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जनता के बीच जाकर जहां अपनी पकड़ को तेज किया जा रहा है, तो वहीं पागबड़ा के अलग अलग वार्डों से AIMIM के लिए प्रत्याशी पद के लिए अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया जा रहा है। पागबड़ा के युवा लगातार MIM का दामन थाम रहे हैं और पार्षद पद के लिए उम्मीदवार लगातार जुड़ रहे हैं। रविवार को पागबड़ा स्थित MIM के कार्यालय पर 3 अलग अलग वार्डों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पागबड़ा के युवाओं ने MIM का दामन थामते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। नगर पंचायत पागबड़ा के वार्ड संख्या 6 से MIM के लिए दामन थामने वाले राशिद हुसैन ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहते हुए मिल्लत का दामन थाम लिया, तो वहीं वार्ड संख्या 16 से असलम चौधरी और वार्ड संख्या 17 से मोहम्मद आसिफ ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ MIM का दामन थामा। पागबड़ा नगर पंचायत पद के संभावित MIM के संभावित चेयरमैन पद प्रत्याशी रियासत हुसैन ठेकेदार द्वारा बताया गया कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां पागबड़ा में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नगर पंचायत पागबड़ा के नगर अध्यक्ष नफीस अहमद और उपाध्यक्ष डॉक्टर इंतजार हुसैन, काट विधानसभा के अध्यक्ष सूफी आकिल ने सभी को फूलमालाएं पहनाई और कहा कि आने वाले दिनों में पागबड़ा में चुनाव संपन्न होना है और हमारे प्रत्याशी जीत का परचम बुलंद करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में MIM से लोग जुड़ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीतियों से प्रभावित होकर लोग लगातार MIM की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज पागबड़ा के युवाओं ने MIM के कार्यालय पर पहुंचकर ये दिखा दिया है कि आने वाला वक्त MIM का है। रियासत ठेकेदार से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया पार्टी को अलविदा कहते और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है। आप सबके सामने देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो हम इकट्ठे हुए हैं बैरिस्टर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर के सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज जो मुहिम चल रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो है हमें सबको एक होकर और अपना झंडा अपने डंडे के साथ हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें समाजवादी को वोट दिया, बसपा को वोट दिया और कांग्रेस को भी वोट दिया, लेकिन हमारा जो असली काम थे वो हमारे किसी पार्टी ने नहीं करे। हमसे आज तक वोट लेते रहे और हमें ठगते रहे और इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमें सबको एकजुट होकर के आने वाले नगर निकाय के चुनाव में पतंग के निशान पे मोहर लगा के बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि मैं भी यहाँ से पार्टी का संभावित प्रत्याशी हूँ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। तो अब पार्टी का जो भी फैसला होगा वो हमारे हक में हो, ये अरशद भाई भी लड़ रहे चुनाव, वो भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो इंशाल्लाह हम सब लोग एकजुट होके जिसका भी टिकट होगा उसको एकजुट होकर लड़ाएंगे। और ये असलम भाई हैं, उन्होंने भी आज पार्टी की सदस्यता ली है, वार्ड 16 से वो भी वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा इन्हें भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और राशिद भाई को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं तो हमें सबको एकजुट होकर के मेहनत करके इस मिशन को हमें कामयाब बनाना है और वार्ड 17 से हमारे मोहम्मद आसिफ भाई चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी आज पार्टी ज्वाइन करी है इन्होंने। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में MIM के समर्थक और MIM के कार्यकर्ता मौजूद रहे।